अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में 7th क्लास के नेक्स्ट एमसीक्यूज़ और डेफिनेशन करते हैं। ये जो आज वाले एमसीक्यूज़ हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एजुकेटर एंड पीपीएससी एग्ज़ाम। इस तरह के एमसीक्यूज़ बार बार पूछे जाते हैं पीपीएससी के एग्ज़ाम में, तो आप लोग इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। फर्स्ट डेफिनेशन लिखी हुई है इधर इक्वेशन की, और दूसरी डेफिनेशन लिखी हुई है लीनियर इक्वेशन की। हम पहली डेफिनेशन समझते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन इज़ अ स्टेटमेंट दैट टू एक्सप्रेशन आर इक्वल, जिसके अंदर दो एक्सप्रेशन क्या हों, इक्वल हों। जैसे कि बी माइनस 15 इज इक्वल टू 32। अब ये देखेंगे कि इक्वेशन बन गई है, इक्वल का साइन इसके दरमियान में आ गया। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखी हुई है लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसकी पावर 1 हो। जैसे कि एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसकी पावर क्या है, 1, तो ये क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन। उसके बाद लिखी हुई है 5x, तो ये भी क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन। इज इक्वल टू 0 कर दो इसको, इसके इक्वल के बाद हम 0 कर दो, 2 कर दो, 4 कर दो, कुछ भी कर दो, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाती है। हम पहला एमसीक्यू सॉल्व करते हैं कि पहला एमसीक्यू में क्या कहता है। कहता है कि विच इक्वेशन इज़ नॉट इक्वलेंट टू दिस। हमें एक इक्वेशन गिवन है, इसको हम सॉल्व करके पहले आंसर निकाल लेते हैं। बी इज इक्वल टू 32, 15 को इस सब जाके ऐड कर देते हैं तो बी की वैल्यू आ जाएगी 47। हमारे पास बी की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 47। अब हमने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में चेक करना है कि किसके अंदर 47 नहीं आता। एमसीक्यूज़ 1 को चेक करें। एमसीक्यूज़ 1 में भी 5 को उस तरफ जाके हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 47 बन जाएगा। बी में भी 47 बन जाएगा, जब 27 में 20 ऐड होगा तो 47 दे देगा। ये भी राइट आंसर है, और डी तो खुद ही 47 की बने। हम सी वाले को सॉल्व करते हैं कि आंसर क्या आता है इधर। जब ये 30 में 13 ऐड होगा तो हमारे पास आंसर दे देगा 3 और 4, ये बच जाएगा डी इज इक्वल टू 43। हमारे पास बी की वैल्यू आ गई 43, बट हमें क्या ये थी 47 ही, तो हमारे पास सी ऑप्शन है जो कि इक्वल नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस नंबर। अब हमने इस नंबर का सॉल्यूशन फाइंड करना है कि इस नंबर का सॉल्यूशन क्या है, मतलब कि हमने इधर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्स की वैल्यू क्या होगी, अब इधर देखें एक्स लिखते हैं, इस इक्वल के बाद क्या लिखा, -52, और ये जो -167 है तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 167। और जब ये ऐड हो जाएगा और एक एक माइनस का है और एक ऐड का है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -52 +167। तो एक प्लस का और एक माइनस का है तो ये हमें आंसर क्या दे देंगे, सब्ट्रैक्ट होके 115। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 115। ऐसे आप लोगों ने ये छोटे छोटे क्वेश्चन गिवन है तो आप लोगों ने सॉल्व कर लेने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इस इक्वेशन को हल करें, आंसर क्या बनता है। अब 8x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 5 को हम डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा 5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10x, और 5 1 से होगा तो मल्टीप्लाई 5 बन जाएगा। अब ये देखेंगे हम एक्स वालों को एक तरफ कर लेते हैं और विदाउट एक्स वालों को एक तरफ कर लेते हैं। अब इधर 8x ये इस तरफ आके माइनस एक्स बन जाएगा। अब ये 5 को वैसे रहने देते हैं, ये माइनस का तो ये इधर आगे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब 8 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बन जाता है -2x, और इधर क्या बन जाता है 8। अब दोनों तरफ 2 को डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 4, और माइनस के साथ भी डिवाइड कर देंगे तो ये माइनस का 4 इसका आंसर बन जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, -4। अच्छा, नीचे वाले एम सी क्यूज करते हैं। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ द सेम सॉल्यूशन। अब इसको चेक करना है कि कौन सा नंबर है जिसको सॉल्व करने से वही आंसर आ रहा हो। हम पहले इसको सॉल्व करते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। 8 को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाएगा 8x +16, और 12 को वैसे रहने देते हैं, ठीक है, 12 को वैसे रहने देते हैं। तो अब हम 12 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो ये बन जाएगा 96x, 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 92 बन जाएगा।
192 बन जाएगा। अब ये देखें 96x इधर रहने दें, इसको इस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट कर दें माइनस का। अब 96 को दोनों की तरफ साथ डिवाइड कर दें, इधर से x की वैल्यू आ जाएगी -2। अब ये याद रखना है इधर से x की वैल्यू क्या आ गई है -2। अब जो -2 आंसर आया है वो आप लोगों ने ऊपर वाली इक्वेशन में चेक करना है कि किस वाली इक्वेशन को सॉल्व करने से -2 आंसर आता है। अगर हम फर्स्ट को सॉल्व करें, ये 2 को इस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट कर दें तो 10 बन जाता है, आंसर नहीं आता। हम अगर सी को देखें, 8 के साथ डिवाइड हो जाता है तब भी आंसर 2 नहीं आता। डी को सॉल्व करें, 4 इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट होकर -1 आंसर देता है, 2 नहीं आता। चलें अब हम इसको सॉल्व करते हैं, बी को सॉल्व करने से आंसर क्या आता है। जब हम बी को सॉल्व करते हैं 4 ये और -6 तो -2 आंसर आ जाता है। हमने जब पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था तब भी -2 आंसर आया था, और हमने ऊपर वाले इक्वेशन को भी सॉल्व करके आंसर वही लेके आना होता है। अच्छा, हम अब नेक्स्ट MCQs करते हैं। कहते हैं कि विच इक्वेशन हैज़ द सोल्यूशन ऑफ -5। अब कहता है कि कौन सी इक्वेशन है जिसका आंसर 5 है। अब हमने 1 by 1 इक्वेशन को सॉल्व करना है और चेक करना है कि किसका आंसर 5 आता है। अब मैं 1 by 1 तो सॉल्व नहीं कर रही ABC को, मैं डायरेक्ट 5 को सॉल्व करती हूँ कि देखते हैं कि इसका आंसर 5 आता है या नहीं। इज इक्वल टू 16। अच्छा, 19 उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये 16 - 19 तो कितना बच जाएगा, 16 - 19, 19 से सब्ट्रैक्ट होके ये बच जाएगा 3, और इधर चल रहा है 3/5a। हम दोबारा लिखते हैं, इधर बचेगा था 3/5a, इधर हमारे पास आ गया था 3। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बचता है 15। अब 3 को दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है 3 × 5 = 15। वाकई अब क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व करके आंसर हमारे पास 5 आ रहा है, तो हमारे पास कौन सा राइट आंसर होगा, आंसर डी। आप 1 by 1 सबको चेक करेंगे तो हमने सिर्फ आंसर लेके आना था -5। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि इसको सॉल्व करें आंसर क्या आता है। बी का 2, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2b - 6 + 5 = 3b - 3। अब हम बी वाली से अलग कर लेते हैं और दूसरे अलग कर लेते हैं, 2b - 3b। अब ये कितना हो गया ऐड होके 11, 11 को उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा, ये माइनस का है 1 बच गया तो उधर जाके +1 आ जाएगा, इधर 1 बच गया 5 - 6 में से 1 गया तो -1 बच गया तो ये उधर जाके ऐड हो जाएगा। अब इसमें से क्या बच गया 1, -2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो -2 बच जाता है, -2 को दोनों तरफ से डिवाइड कर देते हैं, माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इधर +2। अच्छा, जब ये ऐसे क्वेश्चन गिवन हो तो आप लोगों ने पहले मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके उसको फिर सॉल्व कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट कहता है कि सॉल्व करें कि 75 - 90 = 75 - 90 = अब देखें इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 को -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20 - 20 आ जाता है, और जब हम 2t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +10t। अब 90 को इस तरफ जाके ऐड कर देते हैं और -20 को इधर जाके ऐड कर देते हैं, इधर जाके 20 ऐड हो गया, उधर जाके 19, तो ये 19t बन गया, इसके साथ ऐड हो के ये हमें आंसर दे देगा 0.95 - 95 = 90t। अब 19 को दोनों तरफ हम डिवाइड कर देते हैं, 19 से कैंसिल, टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इधर 5। नेक्स्ट सॉल्यूशन करता है कि इसको सॉल्व करके आंसर निकालें। हम 3 को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा 9 × 3 = 27, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 6x आ जाएगा, इज इक्वल टू 5x। 6 को उससे हो जाके सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये बन जाएगा x - x बन गया, माइनस को ख़त्म करना होता है तो इसके साथ आ जाएगा, जैसे कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा -27 आंसर आ जाएगा इसका, दोनों तरफ डिवाइड कर देना होता है।
ये बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, बट मेरे पास वाइट बोर्ड नहीं है तो इसलिए मैं ऐसे सॉल्व कर देती हूँ। जस्टिस का क्योंकि वही ही होता है, क्योंकि सॉल्व तो ये इधर किए हुए होते हैं। अगर आप लोगों को कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा होता वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ आंसर, और इधर सॉल्व किए हुए क्वेश्चन हैं ताकि आप लोग अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लें।